सो so, हम बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे थे इज इट और हमने अमीनो एसिड्स देख रहे हैं उसके बाद अपन प्रोटीन्स देखेंगे सो so, बेसिकली यहाँ पे अपन सिर्फ अमीनो एसिड अभी देख रहे थे लास्ट इसमें अपन ने क्लासिफिकेशन देखा अमीनो एसिड्स का और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी उनके स्ट्रक्चर भी देखे थे बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी अपन ने अमीनो एसिड्स की जैसे कि इट हैज़ अमीन ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप और आर ग्रुप डिसाइड करता है कि इस टाइप का अमीनो एसिड है वैसे ही आ, हमने ये भी देखा कि ऑल अमीनो एसिड्स आर कह कायरल एक्सेप्ट ग्लाइसिन ग्लाइसिन इज दस ओनली वन दैट इज अयरल तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज अपन ने देखी थी कंटिन्यू करते हुए अपन यहाँ पे डिस्कसिंग इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड ठीक है इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती इसका मतलब उनको अपने को खाना है ओके okay? न्यूट्रिशन में लेना है अपने फूड सोर्स से ये अम्यूनो एसिड्स अपने को मिलने चाहिए क्योंकि बॉडी इनको बना नहीं सकती ओके okay? uh, बाकी जो अम्यूनो एसिड्स होते हैं दीज आर गोइंग टू बी नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हमको इसेंशियल ध्यान में रखने हैं तो हमको नॉन इसेंशियल अम्यूनो एसिड बचे हुए जो है वो है सो बेसिकली देर आर टेन इसेंशियल अम्यूनो एसिड दैट मीन्स देर आर टेन नॉन इसेंशियल अम्यूनो एसिड बराबर है सो ये जो दस अमीनो एसिड है दीज आर इसेंशियल ओके okay, जो अपने को डाइट के थ्रू ही मिलना चाहिए दीज आर थ्रियोनिन ट्रिप्टोफैन वैलिन आर्जिनिन हिस्टिडीन लाइसिन फिनिल एलानिन लूसिन आइसोलियोसिन एंड मिथियोनाइन ठीक है ना तो तुमको ये दस नाम तो याद रखने ही रखने हैं बेसिकली बिकॉज क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ठीक है तो इस तरह से तुमको ये दस नाम ध्यान में रखना ही है इसके लिए कुछ एक नेमोनिक यूज़ कर सकते हैं अपन प्राइवेट टीम हॉल ओके पी वी टी प्राइवेट ओके सो जैसे मिल्ट्री में रैंकिंग होती है ना राइट right? तो मेजर होता है जनरल होता है वैसे एक रैंकिंग होती है छोटी रैंकिंग होती है प्राइवेट की ओके प्राइवेट इज़ बेसिकली दोल्जर बेसिकली फूड सोल्जर जिसको बोलते हो अपन दैट इज़ अ प्राइवेट तो प्राइवेट है उसका नाम है टीम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है हॉल तो ये नाम तुमको ध्यान में रखना है और ये रैंक तुमको ध्यान में रखना है प्राइवेट टीम हॉल ठीक है तो यहां पे देखो पी इज स्टैंड फॉर फिनेल एलानिन ठीक है वेलिन वी ओके दैट इज वेलिन टी इज फॉर थ्रियो नाइन टी इज फॉर ट्रिप्टोफैन ओके कोई भी ले सकते हो तुम बोरे पर राइट सो दो टी इज एट थ्रियो नाइन एंड ट्रिप्टोफैन आई है आइसोल्यूसिन बड़े आसानी से ध्यान में रखता है वेर इज आइसोल्यूसिन दैट इज द आइसोल्यूसिन एम इज मिथियोनाइन एच इज हिस्टिडीन ओके दैट इज द हिस्टिडीन ए इज एलिन ठीक है ना सॉरी आर्जिनिन ए इज आर्जिनिन एंड ये ध्यान में रखना है ओके ए इज आर्जिनिन एल इज लूसिन ओके एंड एल इज लाइसिन लूसिन एंड लाइसिन तो ये दस नाम तुमको ध्यान में रखना है यूजिंग दिस नेमोनिक प्राइवेट टीम हॉल ठीक है ना समझ लो ये इसमें आर्जिन जो है दैट इज़ ओनली इसेंशियल इन प्री टर्म इन्फेंट प्री टर्म इन्फेंट मतलब जिनका टर्म कंप्लीट नहीं हुआ है 37 वीक्स का टर्म होता है बेबीज़ का है ना न्यूनिटल uh, डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं अपन तो 37 वीक्स का टर्म होता है और ये टर्म जो बेबीज़ कंप्लीट नहीं करते उनके लिए आर्जिन ये इसेंशियल होता है लेकिन एक बार टर्म कंप्लीट हो गया थर्टी सेवन वीक्स कम्प्लीट हो गए उसके बाद ये आ, ये जो है दट इज नॉट इसेंशियल मतलब उसके बाद ये बॉडी बनाना सीख लेती है समझ में आया ना सो आर्जिनिन इज समथिंग दैट इज ओनली इसेंशियल इन प्री टर्म बेबीज समझ में आएगा ये अमीनो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज और देख लो अमीनो एसिड्स आर बेसिकली जीटर आय ओके देखो अगर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखे तो इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी है अमीन ग्रुप भी है इसका मतलब दे आर एम्फी प्रोटिक ओके कैन एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस एम्फोटेरिक बोल सकते हो एम्फी प्रोटीक भी बोल सकते हो एम्फी प्रोटिक इसलिए बोल रहे हैं अपन क्योंकि बिकॉज देर आर टू ग्रुप्स इज इट दे कैन आइदर टेक अ प्रोटॉन और डोनेट अ प्रोटॉन इसलिए इसको एम्फी प्रोटीक बोल रहा है अपन ठीक है एंड बिकॉज दे डू दैट एट द सेम टाइम ठीक है ना इसलिए इसको एम्फी प्रोटीक बोल रहा है अदरवाइज वॉल्ड कॉल्ड इज एम्फो एम्फोटेरिक ठीक okay, है बट यू कैन यूज एम्फोटेरिकल्सो दैट इज ऑल्सो फाइन द पी एच वैल्यू ओके अगर पी एच वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन द पी के ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड लेते हैं अपन ओके समझ लो ये बात को क्या कर रहा है अपन अगर मैं पी के ए ले रहा हूँ जैसे हायर पी के जैसे uh, अपना बॉडी का पी के क्या होता है सेवन पॉइंट फोर पी एच ठीक है ना न um, और कार्बोक्सिलिक एसिड का पी के ए एज अबाउट टू पॉइंट टू हो रहा okay? so, है ओके सो इसका पी के आ रहा है टू पॉइंट टू और बॉडी का पी एच है सेवन पॉइंट फोर तो इसका मतलब क्या होगा फॉर दिस कार्बोक्सिलिक एसिड दिस कंडीशन इज एक्चुअली बेसिक बराबर है और किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेवन पॉइंट फोर का अगर पी एच है तो ये बेसिक कंडीशन हो गया उस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा या कार्बोक्सिलेट आयन रहेगा ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी एस कार्बोक्सिलेट आयन नॉट एस कार्बोक्सिल ग्रुप समझ में आया क्या सो एट दिस पी के एच एट दिस पी एच ओके और एट एनी पी एच दैन टू पॉइंट टू और थ्री इससे ऊपर अगर पी एच है किसी भी सोल्यूशन का तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विल एग्जिस्ट एज अ कार्बोक्सिलेट आयन तो इसका मतलब लग से थ्री और फोर और फाइव ऐसा कोई पी के पी एच है ओके बॉडी पी एच होता है सेवन पॉइंट फोर अगर ये पी एच ले रहे अपन सेवन पॉइंट फोर का पी एच ले रहे तो फॉर दैट कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज़ गोइंग टू बी अ बेसिक कंडीशन और इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन मतलब उसके ऊपर चार्ज रहेगा ये समझ में आया क्या उसी तरह से ये जो अमीन ग्रुप है ठीक है उसका पी के करीब करीब नाइन पॉइंट फोर होता है अमीन ग्रुप का पीके ए मतलब इसका एक्चुअली नॉट अमीन ग्रुप अमीन ग्रुप का पीके तो 34 के आसपास होता है इसका जो कार्बो uh, इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होता है विच इज़ एन थ्री प्लस ओके अमोनियम आयन जो है इसका पीके होता है 9.4 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली ठीक है अगर मैं इस अमीनो एसिड को ऐसे पीएच में रखता हूँ कि पी इज़ एक्चुअली लेस देन ट नाइन पॉइंट फोर से कम है मतलब जैसे फिर से अगेन लेतेवन पॉइंट फोर अगर ले रहे पी एच ऑफ द सराउंडिंग सोल्यूशन तो फॉर दैट अमोनियम आयन दिस पी एच इज एसिडिक है तो क्या होगा कि ये इट विल एग्जिस्ट एज अमोनियम आयन मतलब इसके ऊपर भी चार्ज रहेगा बराबर है कि नहीं रिजेंटेड अमीन ग्रुप तो बेसिक है बट it has to exist as either as NH3 plus or NH2 बराबर है तो at this pH it will exist as NH3 plus okay at any pH less than 9.4 अगर 9.4 या उससे ज़्यादा pH होता है तो it will basically exist as NH2 ठीक है तो ये देखो बहुत ज़्यादा important चीज़ है क्योंकि तुमको कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि कौन से नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है या कौन से एटम के ऊपर चार्ज है ये पूछा जाता है एग्जाम में सो यू शुड बी एबल टू नो दैट ओके इसके लिए तुमको पी के ए और पी एच इनका जो रिलेशनशिप है यू यूज़ करना पड़ता है और उस तरह से चार्जेस डिटरमाइन करने पड़ते हैं सो इसेंशियली दी एच बिटवीन टू पॉइंट टू और नाइन पॉइंट फोर देखो इनका इसका पी के ए कितना है अमोनियम आयन का इट इज़ नाइन पॉइंट फोर जैसे सोल्यूशन ले लिया अपन ने उसका पी एच है सेवन पॉइंट फोर ओके okay. उसमें मैंने इस ग्रुप को डाल दिया मतलब लिमिट री ड्रा द स्ट्रक्चर एक्चुअली सो यू हैन एच थ्री प्लस ओके या फिर इसको इसी तरह से लिखते अपन ठीक है एन एच टू सी एच आर सी ओ ओ एच ठीक है और इसको जो सॉल्यूशन में अपन ने डाला है उसका पी एच है सेवन पॉइंट फोर ठीक है इसके कॉन्जुगेट एसिड का पी के एज नाइन पॉइंट फोर और इस एसिड का पी के ए देखो पी के ले रहे हैं इसलिए बेस का कॉन्जुगेट एसिड ले रहे हैं ना ये समझ में आ रहा है ना पी के ए लेना है आपने को पीके भी लेते तो इस एनएच टू ग्रुप का लेते लेकिन वी हैव टू लुक एट द पी के ठीक है ना uh, तो इस ग्रुप का पीके तो बहुत ज्यादा आता है इसलिए इसके कॉन्ज़ुगेट एसिड का पीके लेर विच इज नाइन पॉइंट फोर ओके एंड दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप पीके आ रहा है टू पॉइंट टू ओके दिस आर ऑल दिस आर द दीकेज नाउ इफ द सोल्यूशन है सेवन पॉइंट फोर तो क्या होगा सोल्यूशन so, अगर सेवन पॉइंट फोर है तो फॉर फॉर एनएच टू ग्रुप ओके मतलब एन एच थ्री प्लस एन एच थ्री प्लस ही लिखना पड़ेगा एक्चुअली अदरवाइज विल नॉट मेक सेंस फॉर एन एच थ्री प्लस दिस इज एसिडिक इज इट है ना तो इट विल स्टे एज एन एच थ्री प्लस ओके और कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए दिस पी के दिस पी एच इज एक्चुअली बेसिक ओके ये ज़्यादा एसिडिक हो गया दिस पी एच इज एक्चुअली बेसिक इट तो ये डी प्रोटोनेट हो जाएगा ओके देर इज गोइंग टू बी ए निगेटिव चार्ज सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट विल एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन इसको अपन ज्विटर आयन बोलते हैं इसमें दोनों चार्ज है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज ओके सो ओवरऑल अगर चार्ज देखें अपन तो ज्विटर आयन के ऊपर देर इज अ जीरो चार्ज नेट देर इज अ जीरो चार्ज लेकिन देर आर देर इज अ पॉजिटिव एन ए निगेटिव चार्ज अंडरस्टूडे ओके

बट द वैल्यू इज एक्चुअली द पी एच वैल्यू जहाँ पे टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज जीरो समझ में आया ना अब दिस पी एच और बिलो दिस पी एच देर इज गोइंग टू बी चार्ज लेकिन एट दिस पी एच इट इज गोइंग टू हैव अ नल चार्ज जीरो चार्ज समझ में आया ना तो इसको बोलते हैं अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट या आइसो समझ में आया ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस यस आईसी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही वो होगा इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ओके तो हमको मालूम है अमीनो एसिड्स जो है एट पी जी एट सम पी राइट एट सम समीएच इट इज गोइंग टू हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जैसे अपन ने अभी जो एग्जाम्पल देखा उसमें देखा एक पी एच अपन ने सेवन पॉइंट फोर लिया था बट नॉट नेसेसरली उसी पी एच के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस रहेंगे इट डिपेंड्स अपॉन द आर ग्रुप बट एट सम पी एच इट इज गोइंग टू हैव पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज मतलब ओवरऑल चार्ज हो गया जीरो अगर जीरो चार्ज है ज्विटर आयन अगर लेते हैं अपन इट डज नॉट माइग्रेट आइदर टू कैथोड और एनोड समझ में आया ना दोनों किधर भी माइग्रेट नहीं करता है इट डज नॉट माइग्रेट एट ऑल बिकॉज द नेट चार्ज ऑन दिस मॉलिक्यूल इज जीरो ठीक है ना सो जहाँ पे उस ऐसे पी पे देर इज अ नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस पी एच को अपन बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट समझ में आया सो so, मतलब डिटरमाइन करते हैं अपन किस तरह से टाइट्रेशन करके हम किसी अमीनो uh, एसिड का सोल्यूशन लेंगे मान लो कि पी एच सोल्यूशन ले लिया किसी अमीनो एसिड का एट वन समथिंग लाइक दैट ठीक है ना ये सोल्यूशन है अमीनो एसिड का तो वन का पी एच मतलब एसिडिक सोल्यूशन ले लिया और उसमें थोड़ा 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 अपन बेस ऐड करेंगे और कंडक्टिविटी मेजर करेंगे ठीक है तो क्या होगा कि ये पीएच पे कंडक्टिविटी अपने को ज्यादा दिखेगी जैसे जैसे अपन टाइट्रेट करेंगे उसमें बेस ऐड करेंगे ओके वैसे वैसे अपने को क्या दिखेगा जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी कंडक्टिविटी विल डिक्रीज एट सम ओके कंडक्टिविटी कैसी रहेगी अपन देखो कंडक्टिविटी ऐसे करते हैं ना मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ज़ीरो समझ में आया क्या मोलर कंडक्टिविटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू ज़ीरो क्लियर है क्या और जो पीएच पे ये ज़ीरो आ रहा है उसी पीएच को अपन क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ओके इसको इंडिकेट किया है जाता है पी आई आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट उल्टा लिखा जाता है बेसिकली बट दैट इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट अपने को निकालना पड़ता है अमीनो एसिड्स का बड़ा आसान सा तरीका है किसी भी अमीनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट निकालना है तो अपने को देखना पड़ता है कि उसमें कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओके ये अमीनो एसिड देखो इसमें अमीन ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप है दिस इज अ ग्लाइसिन देर इज नथिंग एल्स इन देयर बराबर है अमीन ग्रुप का जो पीके uh, इसका अमोनियम आयन का जो पीके है दैट इज़ नाइन पॉइंट सिक्स ओके ना इसके कॉन्जुकेट एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप का जो पी है दैट इज 2.72 ठीक है अब मेरे को देखना है पीएच ऐसा जहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी इन अमोनियम आयन फॉर्म एंड दिस इज गोइंग टू बी अ नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलेट फॉर्म ऐसा एंड देयर आर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर वी वांट दैट पर्टिकुलर चार्ज ओके समझ में एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी बात हो रही है इट्स अ सोल्यूशन तो काफी सारे मॉलिक्यूल्स सा, हैं अमीनो एसिड के इस तरह से तो ओवरऑल जो चार्ज आना चाहिए सारे मॉलिक्यूल्स को मिला कि दुड बी जीरो इट तो हम निकालते हैं ऐसा पी जो राइट इन द मिडल ऑफ दीज टू है ठीक है ना तो उसके लिए अपन क्या करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट निकालना है तो दोनों ग्रुप का एवरेज ले लो पी का यू गेट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ठीक है ना फॉर दिस ग्लाइसिन मॉलिक्यूल देखो 2.72 प्लस 9.6 डिवाइडेड बाय 2 उसका एवरेज निकाल लिया 6.16 तो एट 6.16 पीएच ठीक है इट इज गोइंग टू हैव अ जीरो चार्ज समझ में आया क्या इट इज गोइंग टू हैव अ जीरो एक्जेक्टली जीरो चार्ज आएगा दर इज गोइंग टू बी नो कंडक्टिविटी एट दिस पी सारे मॉलिक्यूल्स को मिला के जो चार्ज बनेगा एट दिस एट दिस पीएच इट इज गोइंग टू बी जीरो नो कंडक्टिविटी एंड देयर फोर दिस इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ठीक है यहाँ पे तो कोई आर ग्रुप लगा हुआ नहीं है कोई साइड चेन नहीं है एजेंटेड वो इसलिए बड़ा आसान सा था लेकिन जब आर ग्रुप लगा रहेगा तो आर ग्रुप का भी चार्ज अपने को कंसिडर करना पड़ेगा एजेंटेड तो देखो किस तरह से निकालते हैं वहाँ पे सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड ठीक है जहाँ पे चेन इज आयनाइजेबल जैसे मैंने कोई चेन ले लिया ये ओके दिस इज द आर ग्रुप और इसके ऊपर कोई चेन है तो मैं दोनों ग्रुप का अमोनियम आयन का पी के लूंगा दिस इज द पी के ऑफ दिस साइड चेन अमीनो एसिड उसके कॉन्चुकेट एसिड का एंड दिस इज द पी के ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ अमोनियम आयन ऑफ अमीनो एसिड ठीक है एंड दैट इज द पी के ऑफ़ कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है ये दिए रहेंगे वैल्यूज़ ये तुमको प्रोडिक्टडिक्ट नहीं करना है या याद भी नहीं करना है सारे वैल्यूज़ तुमको दिए रहेंगे अब पूछा है तुमको

एंड देर शुड बी वन पॉजिटिव चार्ज तो दो में से एक के ऊपर चार्ज होना चाहिए एक के ऊपर नहीं होना चाहिए इज इन दैट बराबर है ना दो में से किसी एक के ऊपर चार्ज होना चाहिए तो मेरे को पी कौन सा लेना पड़ेगा ये जो दो वैल्यूज है इनके बीच का लेना पड़ेगा पी बराबर है इन दोनों के बीच का अगर पी लेता हूँ मैं इन दोनों पी के वैल्यूज के बीच का तो किसी एक के ऊपर चार्ज रहेगा दूसरे के ऊपर नहीं रहेगा ओके okay, तो मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगा बेसिकली सो so, यहाँ पे लाइसिन का देखो दोनों वैल्यूज का एवरेज निकाल लिया ये दो वैल्यूज का एंड वी गेट 9.98 सो व्हेन द पीएच इज इक्वल टू 9.98 ठीक है तो कौन से इसके ऊपर चार्ज रहेगा ठीक है सो so, यहाँ पे देखो इसका पीएच है टेन पॉइंट सेवन नाइन तो फॉर दिस पी के ए दिस इज एक्चुअली एसिडिक एंड दिस इज एक्चुअली बेसिक बराबर है और इसके लिए इट इज बेसिक नहीं तो इसका मतलब कौन से ग्रुप के ऊपर चार्ज रहेगा ये मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे ओके ना दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली दिस इज बेसिक तो ये तो निकल जाएगा चार्ज क्योंकि बेसिक कंडीशन में तो प्रोटोनेटेड नहीं हो सकता दिस इज गोइंग टू बी एने एंड दिस इज गोइंग टू लीव स्टे एज एन एच थ्री प्लस समझ में आए तो इसके ऊपर चार्ज रहेगा सो दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन एट पी एच नाइन पॉइंट नाइन एट एट दैट पॉइंट देर इज़ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज इस अमीनो एसिड के ऊपर देर इज़ नो चार्ज क्लियर है क्या देखो कितने आसानी से हमने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकाला है उसी तरह से अगर मान लो एसिडिक ग्रुप है साइड चेन में जैसे यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड ले रहे हैं अपन तो दिस इज द आर ग्रुप तो एसिडिक ग्रुप में अपने को क्या करना पड़ेगा अगेन सेम लॉजिक लगाएंगे अपन ठीक है वी वॉन्ट वन निगेटिव चार्ज एंड वन पॉजिटिव चार्ज तो ये पॉजिटिव चार्ज तो रहना ही रहना है रहा है इनमें से ये दो कार्बोक्सिल ग्रुप है इनमें से किसी एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए फॉर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा ये दो में से ओके okay, जो uh, uh, दो ग्रुप है इनके बीच का पीएच लेना पड़ेगा इट, सो टू टेक एन एवरेज ऑफ दिस एंड दिस, ओके दोनों का एवरेज निकाल लिया थ्री पॉइंट टू ओके सो व्हेन द पी एच इज इक्वल टू थ्री पॉइंट टू ये अपना पी एच हो गया एंड दैट इज द केस तो नाउ वी हैव दीज टू ग्रुप्स ओके तो देखो इसके पी के लिए ओके ये फोर पॉइंट थ्री के फोर पॉइंट थ्री का पी के है ठीक है ना और सॉल्यूशन का पी है थ्री पॉइंट टू तो ये जो कंडीशन है दिस इज एक्चुअली एसिडिक ओके ना एसिडिक कंडीशन में ये अमीनो एसिड ग्रुप इज़ इन एसिडिक कंडीशन और ये वाला जो है दैट इज एक्चुअली इन अ बेसिक कंडीशन तो बेसिक वाला डिप्रोट्रेनेट होगा एसिड वाला नहीं होगा एंड सो दिस इज गोइंग टू बी एज दिस ठीक है ये चले जाएगा यहाँ से पॉजिट नी पूछा सो इज गोइंग टू रिमेन लाइक दिस और ये जो है इट इज़ गोइंग टू स्टे एज दिस समझ में आया सो इसके ऊपर चार्ज आ रहा है एट पी एच थ्री पॉइंट टू ओके और इसके ऊपर चार्ज रहेगा इसके ऊपर चार्ज नहीं है क्लियर है क्या सो so, इस तरह से अपन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल सकते हैं फॉर एसिडिक अमिनो एसिड्स ओके सो फॉर एनी ग्रुप्स बेसिकली यू नीट टू टेक एन एवरेज ऑफ लॉजिकली जो दो पॉजिटिवली चार्ज है या दो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है उनका एवरेज ले लो और जो पी uh, एच मिलेगा दैट इज गोइंग टू व्यूर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ओके वन ऑफ द थिंग दैट आई गॉट टू मैंशन इज दैट देखो uh, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है ठीक है uh, तो जो चीज मैं बताना भूल गया वो ये कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है इट इज एक्चुअली अ फिजिकल कॉन्स्टेंट इट्स अ इम्पॉर्टेंट फिजिकल कॉन्सटेंट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट फॉर इच प्रोटीन इज different ठीक तो, uh, तो, है इच पेप्टाइड इज एक्चुअली डिफरेंट तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अपन यूज कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स एंड फॉर प्रोटीन्स आल्सो ठीक है ना तो इट्स अ वेरी गुड फिजिकल कांस्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स अंडरस्टूड है क्या जस्ट लाइक बेल्टिंग पॉइंट बॉयलिंग पॉइंट अपन यूज़ करते हैं ना फॉर आइडेंटिफिकेशन उसी तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट कैन बी यूज एज अ फिजिकल कॉन्स्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ओके नेक्स्ट अपन देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड तुमको याद कुछ भी नहीं करना है एक बार देख लेना है अच्छे से ध्यान से मेल्टिंग पॉइंट देख लो ओके अमीनो एसिड जो होते हैं दीज आर बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सॉलिड्स होते हैं राइट एंड दे यूजअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ठीक है अपन बोल रहे हैं अन हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज वी डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बराबर ना आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनसे अपन वी डोंट एक्सपेक्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट बट दे आर दे एक्चुअली हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट और इसका अपने को कारण भी मालूम है बिकॉज ज्विटर आयनिक नेचर बराबर है ना बिकॉज दे आर ज्विटर आयनिक नेचर बिकॉज देर इज अ आयनिक नेचर या देर इज गोइंग टू बी एन आयनिक बॉन्ड बेसिकली एंड देट इज गोइंग टू गिव यू देम हाई मेल्टिंग पॉइंट ठीक है लेकिन एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट निकालना किसी भी अमीनो एसिड के लिए इट इज़ डिफिकल्ट ओके क्योंकि दे एक्चुअली डिकम्पोज बिफोर दे एक्चुअली मेल्ट तो मेल्टिंग पॉइंट अपन नहीं निकाल सकते काफ़ी अमीनो एसिड्स के लिए नहीं निकाल सकते बिकॉज दे एक्चुअली डिकम्पोज बिफोर देयर मेल्टिंग पॉइंट ठीक है और ये जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है दैट इज अबाउट 200 हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस विच यू कैन इमेजिन इज एक्चुअली हाई बराबर है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड और यहाँ पे इट इज़ नॉट इवन मेल्टिंग ना इट इज डिकम्पोजिंग ओके तो मेल्टिंग पॉइंट तो इससे ज्यादा रहेगा ओके सो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ जिटरानिक नेचर एंड देयर फोर दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ठीक है रिमेंबर इंस्टेड ऑफ जस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे फॉर्म स्ट्रांगर आयनिक बॉन्ड एंड दैट इज द रीजन वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ठीक है दैट जिटरानिक नेचर की वजह से नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी देख रहे अपन दैट इज सॉल्युबिलिटी ओके अमीनो ऐसे आर एक्चुअली सॉल्युबल इन पोलर सॉलवेंट सच एज वाटर वाटर में ये सॉल्युबल है लेकिन बाकी जो नॉन नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये इनसॉल्युबल है ठीक है एंड दिस इज आल्सो बेसिकली बिकॉज ऑफ द जीटर आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ इट आयनिक स्ट्रक्चर है तो ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल रहेगा नॉन पोलर में इनसॉल्युबल रहेगा

इसमें से ये जो रिएक्शन अपन देख रहे थे वो ऑलरेडी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड में देख चुके हैं विच इज हेलवार्ड जेलेंस की रिएक्शन ठीक है ना तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले तो अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसाइज करते हैं यूजिंग हेल्वार्ड जेलेंस की रिएक्शन इफ यू रिमेंबर एच वी जेड रिएक्शन जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में तो वे टेक अ कार्बॉक्सलिक एसिड विद अप्रोप्रिएट आर ग्रुप ठीक है अप्रोप्रिएट आर ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं जो अपने को चाहिए वह ठीक है और फिर अपन Um, इसको हेलोलॉडल्स की रिएक्शन से रिएक्ट करते हैं है, कोई ये लेते हैं बेसिकली हेलोजन और फास्फोरस जनरली ब्रोमीन लेते हैं बी आर टू और फास्फोरस तो अल्फ़ा पोजीशन जो है वो हेलोजिनेट होता है एंड व्हाट यू गेट इज़ अल्फ़ा हेलो एसिड्स नेक्स्ट ये जो अल्फ़ा हेलो एसिड है उसको अपन अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं मतलब हेलोजन की जगह अपने को यहाँ पर एनएच लाना है तो वो सिंपल डिसप्लेसमेंट से कर सकते हैं अपन ओके okay? सो so, इसको सिबदा अपन एन एच थ्री के साथ रिएक्ट करेंगे एन एच थ्री विल जस्ट सिंपली रिएक्ट विद दैट। ऑब्वियसली वी नीड वी नीड टू मेक श्योर की इट जस्ट डजेंट फॉल सॉल्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने को थोड़ा एक्सेस में अमो, अमोनिया यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि पहला मोल तो इसके साथ सॉल्ट uh, बनाएगा ओके एसिड बेस रिएक्शन होगा सेकेंड मोल एक्चुअली जाके रिएक्शन करवाएगा इसलिए अपने को कम से कम दो मोल तो यूज़ करना ही पड़ेगा ओके okay? uh, uh, तो ये असेंटू टाइप का ही रिएक्शन होगा बेसिकली अनवर्ट इट इज अमीनो एसिड क्लियर है तो इस तरह से अपन बनाते हैं जो अमीनो एसिड बनेगा इस केस में क्योंकि जो अपना अपना जो का, ये कार्बन है दैट इज एक्चुअली इट दिस कार्बन इज अ कारल तो ये भी अकारल रहेगा मतलब ये रेसिमिक ही मिलेगा अपने को ओके रेसेमिक ही मिलेगा अपने को okay? अकारल बोलने के बजाय इट इज एक्चुअली रेसिमिक सो अपना प्रोडक्ट भी रेसमिक ही रहेगा तो अपने को देखो इसमें से आर एस जनरली चाहिए होता है अपने को एस जनरली अपने को चाहिए होता है तो ये अपन आ, फिर कायरल प्योरीफिकेशन से इसको सेपरेट कर लेंगे ओके आर एस को अपन सेपरेट कर सकते हैं बाय कायरल प्योरीफिकेशन कायरल सेपरेशन से ठीक है कायरल सेपरेशन मैं तुमको जस तो एक जस्ट बता देता हूँ एक ब्रीफ आइडिया इट इज़ अ एक्सपेंसिव टेक्निक बेसिकली क्योंकि इसके लिए अपने को कायरल मीडिया यूज़ करना पड़ता है फॉर सेपरेशन ठीक है जैसे अपन कॉलम क्रोमाटोग्राफी लेते हैं तो उसमें सिलिका जेल डालते हैं ठीक है ना अगर कायरल कंपाउंड्स है और उनको अपने को सेपरेट करना सिलिका जेल काम नहीं करेगा क्योंकि सिलिका जेल इट सेल्फ इज अकायरल तो ये आ, दोनों जो है आर एस वाले जो एनैश्योमर्स है वो दोनों उसके साथ इक्वली एक ही तरह से रिएक्ट होगी इट विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश इट तो इट डजेंट वर्क इन दैट केस लेकिन इफ आई टेक अ कायरल मीडिया मीडिया इट् सेल्फ इज कायरल तो आर का उसका आर और एस का इंटरेक्शन विद दैट कायरल मीडिया इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट है ना आर और एस इसके साथ अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करेंगे इट जैसे मान लो कि ये इस तरह का कोई कायरल मीडिया है तो ये आर देखो आर है तो ये बराबर उसके साथ चिपकेगा इस तरह से और एस जो है इसका मिरर इमेज ये नहीं चिपकेगा समझ में आया ना जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल ये देखो तो यहाँ पे इसका बॉन्डिंग ठीक से नहीं रहेगा इसका बॉन्डिंग ठीक से रहेगा मीडिया के साथ ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा अपने को आम, पार्टीशन कर सकते हैं अपन इनको आर और एस अलग अलग हो जाएंगे बेसिकली और इनको अपन कॉलम क्रोमेटोग्राफ्ट की तरह रन करते हैं यूजिंग कायरल मीडिया ये कायरल मीडिया इट इज एक्सपेंसिव इनको अपन री करते हैं ऑब्वियसली बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव बट दैट इज द रीजन वाई कायरल कंपाउंड आर एक्सपेंसिव तो वी कैन एक्चुअली स्टार्ट विथ कायरल रिएजेंट एजेंट इट अगर अपने को जैसे ये नहीं करना है ओके okay? सेपरेशन uh, नहीं वी कैन जस्ट बाय कायरल रिएजेंट और उसी के साथ रिएक्शन कर लें ठीक है न सो यू कैन डू दैट और यहाँ पर देखो अगर कर करेंगे अपन अमोनिया के साथ रिएक्ट देखो टू इक्वेलेंट लेना पड़ रहा है आपने को क्यों क्योंकि वन इक्वेलेंट तो यहाँ पर रिएक्ट होगा अनदर इक्वेलेंट एसेंटू करवाएगा एंड बट वी गेट इज़ आर टू एस कन्वर्जन इनवर्जन मिल रहा है आपने को दिस इज एलानिन एक्चुअल अमिनो एसिड तो इस तरह से अपन इसको बना सकते हैं सेकेंड जो मेथड है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेकर सिंथेसिस स्ट्रकर सिंथेसिस ये दो स्टेप में होती है ये नई प्रोसेस है ये अपन ने अभी तक देखी नहीं है बेसिकली सो वी स्टार्ट विद एन अल्डे ठीक है अल्डे को अपन रिएक्ट करते हैं अमोनियम क्लोराइड एंड के के साथ ठीक है इन प्रेजेंस ऑफ के रिएक्ट करवाते हैं ठीक है तो क्या होता है कि आ, जो एन है वो कंडेंस होता है इसके साथ ठीक है ये दोनों कंडेंस हो जाते हैं निगेट एनेस्टोगलोब और के सी एन इसके ऊपर एडिशन रिएक्शन करवाता है क्योंकि साइनाइड है तो ये एडिशन रिएक्शन करवाएगा और अपने को नाइट्राइल ग्रुप वहाँ पे मिलेगा सो so, दो ग्रुप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अपन एक तो कंडेंस कर रहे हैं एन एच फोर सी एल ग्रुप और के सी एन उस पर ऐड हो रहा है सो वॉट गेट इज़ अ अमीनो नाइट्राइल ठीक है वॉट गेट इज अ अमीनो नाइट्राइल और ये जो अमीनो नाइट्राइल है उसको मैं अभी हाइड्रोलाइज करवाता हूँ देखो सी एन ग्रुप है सी एन ग्रुप को जब भी मैं हाइड्रोलाइज करवाता हूँ

सो so, इसका मतलब ना फाइनल प्रोडक्ट भी रेसिमिक मिक्सचर ही रहेगा नेक्स्ट रिएक्शन इज कुप सिंथेसिस, ठीक है ना? कुप सिंथेसिस इसमें अपन अल्फ़ा कीटो एसिड लेते हैं विच इज दिस अल्फ़ा कीटो एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और अल्फ़ा पोजिशन पे कीटो ग्रुप है ठीक है और अब इसको अपन कन्वर्ट करते हैं इन टू अमिनो एसिड ठीक है तो सबसे पहले इसको एनएस थ्री के साथ रिएक्ट करवाते हैं एनएस थ्री इसके साथ कंडेंस होता है वी गेट एन इमीन डेरिवेटिव ओके दिस इज द इमीन डेरिवेटिव ओके और फिर इसको अपन रिड्यूस करते हैं यूजिंग एस टू पी डी वी गेट अमीनो एसिड सिंपल सी रिएक्शन है ठीक है दो स्टेप में करवा रहे इसको अल्फा किटो एसिड के पहले कंडेंस करवाएंगे अमोनिया के साथ वी गेट इमीन ग्रुप दिया और फिर इसको रिड्यूस कर दिया एस टू पी डी के साथ वी गेट अमीनो एसिड ठीक है

और हर अमीनो एसिड का तो रिएक्शन अपन देखने वाले नहीं है एक जनरल रिएक्शन देखेंगे अपन दैट्स इट ठीक है ना सो कार्बोक्सिलिक एसिड है और अमीन ग्रुप है सो so, इसेंशियली ये दोनों ग्रुप के रिएक्शन अपने को यहाँ पे मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के काफ़ी सारे रिएक्शन्स अपन ने देखे हैं अमीन्स के काफ़ी सारे रिएक्शन अपन ने देखे हैं सारे रिएक्शन अपन देखने, देखने वाले नहीं कुछ यूनिक रिएक्शंस देखेंगे सो so, पहला रिएक्शन है एन एसिलेशन का देखो अमीन ग्रुप ये एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक अनहाइड्राइड इनके साथ एसिलेट होता है ओके दीज आर एसिडिलेटिंग रिएजेंट बेसिकली तो ये नाइट्रोजन को एसिटिलेट करते हैं बेसिकली नाइट्रोजन इज न्यूक्लियोफिलिक ये इसके ऊपर ऐड होगा क्लोरीन निकल जाएगा यू गेट एन एसिलेशन ये रिएक्शन अपन ने अमींस चैप्टर में देखी है और उसके अलावा भी देखिए प्रीवियस चैप्टर्स में नेक्स्ट रिएक्शन इज दिस इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट रिएक्शन रिएक्शन विध निनहाइड्रीन निन हाइड्रीन के साथ रिएक्शन देखो ठीक है तो दिस इज एक्चुअली निन हाइड्रीन ठीक है और इसको अपन रिएक्ट करते हुए किसी अमिनो एसिड के साथ ठीक है वॉट वी एक्चुअली गेट इज अ डीप ब्लू और पल्प पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है सिर्फ तुम ये ध्यान में रखो कि अमीनो एसिड या प्रोटीन्स एक्चुअली रिएक्ट विथ निनहाइड्रीन एंड वॉट यू गेट इज अ डीप ब्लू पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स सो यहां पे क्या हो गया निनहाइड्रीन ओके प्लस ग्लाइसिन एंड वॉट यू गेट इज अ कॉम्प्लेक्स क्लियर है क्या यही तुमको ध्यान में रखना है निनहाइड्रीन प्लस एनी अमिनो एसिड और प्रोटीन और पेप्टाइड यू विल गेट सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स जिसका कलर डी ब्लू या पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स रहेगा ओके okay? सो so, निहाइड्रीन जो है इट इज़ अ सोल्यूशन बेसिकली इट्स अ सोल्यूशन निन हाइड्रीन सोल्यूशन आता है इट इज़ कॉमनली यूज फॉर डिटेक्टिंग फिंगर प्रिंट्स फिंगरप्रिंट्स बेसिकली जो जैसे तुमने डिटेक्टिव सीरीज में देखा होगा कहीं पर ओके okay? तो आई आर नॉट सेइंग लाइक यू नो शिवाजी साटम वाला बट यू नो मेनी ऑफ द ग्रुप्स एक्चुअली या मैनी ऑफ द गुड सीरीज राइट आप यार देखते हो तुम तो दे यूज़ सम ऑफ एजेंट्स जिससे तुमको जो हिडन चीज़ें हैं वो दिखती है ओके वन ऑफ द थिंग दैट दे यूज फॉर एक्सपोजिंग द फिंगरप्रिंट इज दे कैन दे कैन स्प्रे द सोल्यूशन एक सोल्यूशन रहेगा या फिर इसका पाउडर भी आता है पाउडर को ये स्प्रे करेंगे छोटे से पाप, ब्रश से ही करते uh, तो ये करते हैं बेसिकली तो इट एक्चुअली रिएक्ट्स विथ द अमीनो एसिड फ्रॉम द फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट में अमीनो एसिड होते हैं बेसिकली बिकॉज वी हैव स्वेट ग्लैंस बराबर है जब भी अपन किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो स्मजस आते हैं द स्मजेस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि देर इज़ अ स्वेट ऑन द हैंथ ठीक है ना और उस स्वेट में देर आर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन्स या फिर पेप्टाइड्स या फिर अमीनो एसिड्स उसमें होते हैं ओके okay? तो हम लोग वो अपना डीएनए फिंगरप्रिंट जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ते हैं देट इज़ द टर्म डीएनए फिंगरप्रिंट ये जो टर्म uh, आता है बेसिकली दैट कम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोर्शन लिव दैट्स नॉट डी एन दैट वी आर एक्चुअली लिविंग बट वी आर लिविंग अ फिंगर ओके फिंगर लाइक जेनेटिक isn't it so we are leaving it there uh, so that is why um, it is can be used this this ninhydrin can be used to detect the fingerprints okay it is the terminal amino acid that will react uh, you know that will react with ninhydrin and will give you this uh, color okay sometimes they just use just agar expose है. okay they will just use a, a you know white powder i think talcum use karnage ओके okay. uh, लेकिन अगर आई डोंट नो सडन कंडीशंस दे यूज़ इट यूज इट दिस दे नो देव प्रॉबली हैव सम सॉर्ट ऑफ कोड कब यूज़ करना है बट इफ़ यू यूज इट दे बेसिकली गेट एक्सपोज एंड यू कैन सी द फिंगर प्रिंट ओके एंड यू कैन एक्चुअली टेक अ पिक्चर ऑफ इट बेसिकली एंड देन वेरीफाई डेटाबेस में जाके कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं है सो एंड सो फोर्थ

और एज अ लिगेंट जब यूज करते हैं इसको तो ये होता है यू बिकाज़ रिमेंबर दैट राइट सो देर इज बेसिकली दैट अमीनो एसिड ठीक है इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है ओके देर इज जस्ट वन नेगेटिव चार्ज ऑन ग्लाइसिनाइटो कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर ही चार्ज रहता है नेस्टो ग्रुप के ऊपर देर इज नो चार्ज ओके दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड ये प्रोटीन वोटीन के साथ रिएक्ट नहीं होता है जनरली इट जस्ट रियक्ट्स विद अमीनो एसिड इट फॉर्म समर्ट ऑफ कॉर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स ओके अर कई अगर दूसरा अगर है बेसिकली अमीनो एसिड तो देर इज सिंपली गोइंग टू बी समेट दैट ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स एंड फोर इट कैन बी यूज एजडेंटिफिकेशन फॉर अमीनो एसिड तो यहाँ पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं पेप्टाइड्स पेप्टाइड्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ठीक है सो डन विद अमीनो एसिड अब अमीनो एसिड से पेप्टाइड्स बनते हैं कुछ पेप्टाइड्स जिनका फंक्शन है उनको अपन प्रोटीन्स बोलते हैं ठीक है सो so, अगर मैं अमीनो एसिड्स लेता हूँ और इनको ज्वाइन करता हूँ वट वट आई गेट इज़ अ पेप्टाइड समझ में आया ना दो अमीनो एसिड या तीन अमीनो एसिड को ज्वाइन कर दूँ मैं तो आई विल गेट अ स्मॉल पेप्टाइड ठीक है यहाँ पे जो रिएक्शन होती है दैट इज बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीन ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड तुमको याद होगा का कि कार्बोक्सिल ग्रुप विच इज़ आर सी ओ ओ एच प्लस अमीन ग्रुप ठीक है ना ये रिएक्ट होते हैं बेसिकली ओके okay, यहाँ से ओ एच निकलेगा और यहाँ से एक एच निकलेगा एंड वॉट यू एक्चुअली गेट इज अमाइट यूकॉज रिमेंबर दैट यस बट यू गेट इज अमाइट ग्रुप ओके यहाँ पे भी वही हो रहा है सिर्फ बिटवीन टू तो अमीनो एसिड हो रहा है ओके दिस वन एंड दिस वन सो यू गेट डिलिमिनेशन ऑफ माइनस एच टू ओ

सो so, इसको अपन बोलते हैं डायपेप्ट ओके okay. दो अमीनो एसिड यूज कर रहे टू फॉर्म द पेप्टाइड इसलिए क्या हो गया है? ये डाईपेप्ट अगर तीन अमीनो एसिड यूज करेंगे तो ट्राईपेप्टाइड चार अमीनो एसिड यूज करेंगे तो टेट्रापेप्टाइड सो so, सोन सो फोर्थ so ठीक है बहुत ज़्यादा अगर यूज़ किए तो क्या बोलेंगे अपन फिर उसको पॉलीपेप्टाइड इज दिस क्लियर पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं सो बेसिकली ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड ध्यान में रखना है ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड बट नॉट ऑल पॉलीपेप्टाइड्स आर प्रोटीन ओके सारे प्रोटीन्स poly ही होते हैं बेसिकली तो ये जो अमीनो uh, एसिड्स होते हैं इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है बेसिकली यू कैन सी दैट ओके ये जो एन एच टू ग्रुप है ये एन एच ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस तरह से मैं इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता हूँ वी गेट अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ठीक है ना यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपने को मिल रहा है सो वेन एवर दे रज अ पेप्टाइट बॉन्ड इस तरह का रेजोन तो रहना ही रहना है Isn't it? तो अगर तुम देखोगे ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इट एक्चुअली हैज़ अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड दैट्स वॉट मेक्स इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड दैट इज द रीजन वाई प्रोटीन्स आर वेरी स्ट्रांग ओके बिकॉज ऑफ दैट रेजोनल स्ट्रक्चर क्लियर है क्या इट्स अ वेरी स्ट्रांग डबल बॉन्ड या बिकॉज ऑफ दैट रेजोनल स्ट्रक्चर ओके सिमिलरली यू कैन हैव पॉलीपेप्टाइड एंड सो फोर्थ अगर मान लो टेट्रा पेप्टाइड है tetrapeptide. तो इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड रहेंगे टेट्रापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड लिंकेजेस रहेंगे एक दो तीन चार ये चार अमीनो एसिड है ओके okay. इनको कनेक्ट करना है तो ये ब्लू वाले क्या हो गए पेप्टाइड बॉन्ड बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड क्लियर है क्या है तो कितने बॉन्ड रहेंगे टेट्रा पेप्टाइड में थ्री पेप्टाइड बॉन्ड क्लियर है ओके नेक्स्ट इज हाइड्रोलोसिस ऑफ पेप्टाइड करते हैं अपन वेरी सिंपल ओके हाइड्रोलोसिस करेंगे अमाइड का तो अपने को क्या मिलता है कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीन मिलता है अगर मैं पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड का हाइड्रोलोसिस करता हो तो मेरे को इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स मिलेंगे सिंपल चीज़ है ना ब्रेक डाउन कर रहे हैं यहाँ से हाइड्रोलोसिस कर रहे हैं सो वी गेट इंडिविजुअल अमीनो एसिड एंड दैट्स हाउ दे आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन सब स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन निकालना है तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा उसको हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट अमीनो एसिड्स देखना पड़ेगा कौन से कौन से अमीनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट है और उसके बाद वो उनका ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं विच इज़ एक्चुअली अ ट्रिकी पार्ट ठीक है और एक बार ऑर्डर डिटरमाइन कर लिया तो अपने को प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिलता है ओके okay, ये क्वेश्चन को आंसर करो इन अ गिवन पेप्टाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली अ पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है बता सो so, इसका करेक्ट आंसर इज बेसिकली सी ओके द बॉन्ड बिटवीन दिस वन ओके दैट्स द अमाइड बॉन्ड एंड दैट इज द वन दैट इज एक्चुअली अ पेप्टाइड बॉन्ड ठीक है ओके लेट्स मूव मॉर डिस्कशन टू प्रोटीन्स देखो प्रोटीन्स जो होते हैं दीज आर बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स पेप्टाइड्स ओके एंड दे कंटेन एनी वेयर फ्राम फिफ्टी टू थाउजेंड ऑफ अमीनो एसिड्स ओके पचास से लेके हज़ारों तक अमीनो एसिड्स लगे हो सकते हैं इस पॉलीपेप्टाइट में और इनको अपन प्रोटीन्स बोल रहे हैं ठीक, Now, um, insulin. ठीक? Insulin है ऑल प्रोटीन्स ऑफ बेसिकली पॉलीपेप्ट द्मॉलेस्ट प्रोटीन आई थिंक इन अवर बॉडी इज बेसिकली इंसुलिन ठीक है इंसुलिन मालूम है ना बायो वालों को तो मालूम होना ही चाहिए इसमें फिफ्टी फोर अमीनो एसिड्स होते हैं ओके दिज आर द फिफ्टी फोर अमीनो एसिड प्रोटीन सो अबाउट फिफ्टी प्रो अमीनो एसिड पकड़ सकते हो तुम ओके दैट इज आई थिंक इज द स्मॉलेस्ट प्रोटीन इट्स अ जस्ट अ लीनियर प्रोटीन आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोटीन और टीटीन है विच इज एक्चुअली द लार्जेस्ट प्रोटीन इज टिटीन इसमें सत्ताईस हजार अमीनो एसिड लगे हुए थे कितने सत्ताईस हजार ट्वेंटी सेवन थाउजेंड अमीनो एसिड्स इट इज़ फाउंड मसल इसका मॉलिकुलर मास होता है थ्री थाउजेंड किलो डेल्टन, ओके सो प्रोटीन्स कैन बी वेरी बिग सम प्रोटीन्स आर एक्चुअली इनफैक्ट वेरी जैसे फॉर एग्जाम्पल इट्स अ वेरी बिग प्रोटीन ओके ट्वेंटी सेवन थाउजेंड अमेनो एसिड वाला प्रोटीन है एंड देर इज ऑल्सो सम प्रोटीन्स देट आर एक्चुअली वेरी स्मॉल जनरली अगर स्मॉल प्रोटीन है जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन की बात कर रहे हैं ठीक है सो so, सबसे अपन जनरली बोलते हैं फिफ्टी से लेके चालू होते थे फिफ्टी से हंड्रेड तक जो होते हैं जनरली इनको अपन पॉलीपेप्टाइड ही बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड जैसे कि इंसुलिन हालांकि ये है तो प्रोटीन लेकिन छोटा रहने की वजह से इसको अपन क्या बोल रहे हैं पॉलीपेप्टाइड बोल रहे हैं ठीक है ओके जब भी अपन स्ट्रक्चर लिखते हैं ओके इनका नाइट्रोजन वाला टर्मिनल जो रहेगा फ्री रहेगा ऑब्वियसली और कार्बोक्सिल वाला एक टर्मिनल फ्री रहेगा सो नाइट्रोजन अपन लेफ्ट हैंड में लिखते हैं कार्बन वाला जो टर्मिनल है वो अपन राइट हैंड में लिखते हैं दैट इज द कन्वेंशन ऑफ राइटिंग द स्ट्रक्चर एन अपन लेफ्ट हैंड में लिखते हैं और सी अपन राइट हैंड में लिखते हैं क्लियर है क्या एन टर्मिनल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सी टर्मिनल ऑन द राइट हैंड साइड ओके ये दो टर्मिनल ही फ्री रहेंगे बाकी हर जगह देर इज गोइंग टू बी अमाइट बॉन्ड पेपटाइट बॉन्ड जिसको अपन बोल रहे हैं दिस वन दिस वन से ये जो दिख रहे हैं बेसिकली दिस आर ऑल पेपटाइट बॉन्ड यहाँ पे जीग्जैक्ट लाइन इसलिए दिखा रहा हूँ मैं कि दिस इज बेसिकली अ लॉन्ग चेन दैट्स ऑल वी आर सही ओके ठीक है सो ये समझ में आएगा एन टर्मिनल अपन हमेशा लेफ्ट हैंड में लिखते हैं सी टर्मिनल अपन हमेशा राइट right हैंड में लिखते हैं और right. ये जो पेप्टाइड चेन है दैट बेसिकली फॉर्म्स द साइड चेन दैट बेसिकली फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपन ले रहे हैं ओके दैट इज बेसिकली द बैक बोन ओके दैट फॉर्म्स द बैक बोन एंड देन यू हैव दीज आर ग्रुप्स एट प्लेसेस ओके दैट गिव्स यू फंक्शनैलिटी टू दिस प्रोटीन और ये जो बाकी जो पोर्शन आ रहे हैं जैसे ये 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 आ रहा है ओके देर इज गोइंग टू बी एच हेयर ओ डबल बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड ओ एच ये आ रहा है दीज आर एक्चुअली यूज इन मेकिंग बॉन्डिंग ठीक है ना ये जो होता है इससे अपन बॉन्डिंग बनाते हैं ओके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप और एन एच ग्रुप जब लाइन होते हैं दे कैन एक्चुअली मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इसके वजह से एक प्रोटीन का एक पर्टिकुलर शेप बनता है ओके okay? स्ट्रक्चर जान लो प्रोटीन का प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर रहता है अपन डिफरेंट लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं तो फोर डिस्टिंक्ट लेवल होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के डिस्कशन का लेवल है बेसिकली ठीक है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर मतलब एक ही प्रोटीन को अपन अलग, अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग लेवल पर डिस्कस कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ओके प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है बेसिकली एंड दैट इज द वन दैट इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द एग्जैक्ट अमीनो एसिड सिक्वेंस एग्जैक्ट ओके जितने भी अमीनो एसिड लगे हैं उतने और उनका सिकवेंस किस सिक्वेंस में ये अमीनो एसिड लगे हैं इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ठीक है ना सो इन प्राइमरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड जैसे यहाँ पे देखो ये अमीनो एसिड्स है ठीक है एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू दीज पेप्टाइड बॉन्ड्स ये पेप्टाइड बॉन्ड्स लगे हुए हैं तो काफ़ी सारे यहाँ पे अमीनो एसिड्स है सो दीज आर बेसिकली द पेप्टाइड बॉन्ड्स और पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू ये कनेक्टेड है ओके सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी स्ट्रांग ओके ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय थ्री लेटर कन्वेंशन ऑफ द अमीनो एसिड ठीक है यहाँ पे अपन थ्री लेटर कोड जो है अमीनो एसिड का वो यूज करते हैं अगर प्रोटीन बहुत बड़ा है तो वी कैन आल्सो यूज सिंगल लेटर कोड ठीक है ना जनरली थ्री लेटर कोड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये ईजी टू रीड होता है ओके okay? क्योंकि यहाँ पे अपन आरास पढ़ सकते हैं सिंगल लेटर में हो सकता है कहीं पे कन्फ्यूजन आ जाए इसलिए ये नहीं यूज़ करते बट इफ इट्स टू लॉन्ग एंड यू नो इट इज अबाउट बिटवीन द एक्सपर्ट्स बेसिकली देन दे कैन यूज सिंगल लेटर कोड आल्सो टू एक्सप्रेस द चें अगर मान लो एक दो तीन चार पाँच छो एसिड एसिड्स सिक्स अमीनो एसिड्स ठीक है तो छः अमीनो एसिड्स से वी कैन मेक डिफरेंट प्रोटीन्स एक्चुअली यूजिंग ओनली सिक्स अमीनो एसिड्स वी कैन मेक लार्ज नंबर ऑफ़ प्रोटीन्स और एक तुम इसको मैथमेटिकली आई थिंक वर्कआउट कर सकते हो परमिटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूल से कि कितने प्रोटीन्स पॉसिबल है कितने अलग अलग प्रोटीन्स पॉसिबल है ये तो लेकिन इसमें अनदर थिंग वी कैन एक्चुअली डू इज़ वी कैन यूज सेम प्रोटीन मल्टीपल टाइम्स है ना एक ही प्रोटीन अपन अलग अलग बार भी यूज़ कर सकते हैं हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं किया है वैसा बट दैट इज ऑल्सो यू कैन रिपीट द सेम थिंग इट तो सेम अमीनो एसिड्स से है लेकिन सिक्वेंस अलग है इसलिए प्रोटीन्स भी अलग है सो यूजिंग ट्वेंटी अमीनो एसिड वी कैन एक्चुअली मेक इन्फाइट नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स सॉरी इन्फेनाइट नंबर ऑफ प्रोटीन्स अंडरस्टूड है क्या यूजिंग दिस ट्वेंटी अमीनो एसिड्स वी कैन मेक इन्फाइट नंबर ऑफ प्रोटीन्स ओके सो बेसिकली इट इज़ वी डोंट वी डोंट एक्चुअली नीड मोर अमिनो एसिड्स ओके इट डजन मीन दैट वी आर इंक्रीज इट इट्स इज नॉट इफिशियंट बेसिकली बिकॉज वी डोंट नीड एक्स्ट्रा अमिनो एसिड ऑल द ऑल द प्रोटीन्स वी वुड एवर नीड आई आर एक्चुअली मेड बाय दिस ट्वेंटी अमिनो एसिड और अगर किसी एक्स्ट्रा प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी इनसे बनाए जा सकते हैं ओके okay? मतलब काफ़ी बड़ा रिजर्व है अपना प्रोटीन बनाने का ओके सो दिस इज बेसिकली द प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाएँ यहाँ पे यू कैन सी दिस इज नथिंग बट अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड ठीक है और यहाँ पे अगर अपन फोकस करते हैं जस्ट ऑन दिस पोर्शन यू कैन सी डिफरेंट अमीनो एसिड्स बेसिकली ठीक है ना और यहाँ पे जो लिंकेजेस है दिज आर गोइंग टू बी पेप्टाइड लिंकेज ईच अमीनो एसिड इज लिंक्ड टू अदर अमीनो एसिड बाय अ पेप्टाइड लिंक दिस इज़ बेसिकली योर प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई कन्फ्यूजन है क्या नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ओके okay, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है अपना उसको अपन जैसे यहाँ पे देखो रिबन की तरह दिखा रहे हैं ओके दिस इज बेसिकली स्टार्ट सम वेयर एंड देन इज गोइंग टू कॉइल एट समयलिंग हो रही है सम सम प्लेसेज पे इस तरह से एंड देन कहीं पर अगर तुम देखो तो यहाँ पे इस तरह के फ्लैट रीजन बन रहे हैं okay? ओके यहाँ पे देखो फिर से कॉइलिंग आ गई है सो इट इज पॉसिबल टू हैव दिस टाइप ऑफ कॉइल्स ओके तो ये जो कॉइल्स एंड फ्लैट रीजन्स आते हैं इनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर कॉइल्स को अपन बोलते हैं अल्फा हेलिक्सिस हेलिकल स्ट्रक्चर है इसलिए अल्फ़ा हेलिक्स बोल रहे हैं इसको अल्फा इसलिए बिकॉज देर इज अ स्पेसिफिक स्पेसिफिक जोमेट्री टू इट देर इज ऑल्सो बेटर हैलेक्सेस एंड सो लेकिन वो बहुत कॉमन होते अनकॉमन है, होते हैं अल्फा हेलेक्सिस आर द मोस्ट कॉमन वन अमाउ प्रोटीन हेलीकल स्ट्रक्चर है एंड देर इज ऑल्सो बेटा शीट्स ठीक है देखो शीट्स के जैसे दिख रहे ये इनको अपन बेटा प्लीटेड शीट भी बोलते हैं बेटा प्लीटेड शीट प्लीटेड शीट बोले तो जैसे लड़कियाँ बाल बनाती है ना लंबी चोटी डालती है तो प्लीट्स बनाती है बराबर है उसको प्लीट बोलते हैं सो इट बेसिकली लुक्स लाइक दैट दैट्स वाई इट इज कॉल्सो कॉल्ड एज बेटा प्लीटेड शीट्स अंडरस्टूड ए क्या सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखो अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है Now within that primary structure, there may be coiling at some places. It's not just going to be a protein straight chain लगा हुआ है। ऐसा नहीं रहेगा ना। कहीं ना कहीं coiling आएगी, कहीं ना कहीं flatness आएगा, इस तरह के sheets बनेंगे। तो इन structures को अपन बोलते हैं secondary structure। Clear है क्या? Secondary structure जो होते हैं, these are held together by hydrogen bond। अभी अपन ने देखा, it is basically between the carboxyl का CO group और जो एन होता है उसका एन ग्रुप इनके बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रो ये बनाते हैं ठीक है ना सो मैं तुमको फिर से दिखा दूंगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसको स्टेबल रखता है उस फॉर्म में उन जो जो हेलिक्सिस थे ठीक है उन हेलिक्सिस को उस फॉर्म में वो स्टेबल रखता है मैं मतलब तो दिखा देता हूँ फिर से ओके सो आर टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्सिस एंड बेटा शीट्स या बेटा प्लीटेड शीट्स ठीक है ना दो टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है अपने पास तो यहाँ पे पहला देखो अल्फा हेलिक्सिस यू कैन सी दैट दिस इज अलिकल स्ट्रक्चर लुक्स वेरी नाइस लाइक ए डी एन ए टाइप का ही दिखता है ये बट नो दिज आर अमिनो एसिड्स है ना और यहाँ पे जो एन एच ग्रुप होते यू कैन सी दीज आर एक्चुअली मेकिंग दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये डॉटेड लाइन दिख रही है पिंक वाली तुमको दीज आर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के वजह से इट इज़ एक्चुअली इन दैट स्पायरल शेप और, okay? so okay? so ये और ये हाइड्रोजन बॉन्ड उसको इस सिलेंड्रिकल या स्पायरल शेप में रखता है ओके सो इट इज अ कोइल्ड और स्पायरल स्ट्रक्चर इसको अपन बोल रहे हैं अल्फा हेलिक्स ओके एवरी फोर्थ अमीनो एसिड एक्चुअली मेक्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड सो ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड दीज आर द फोर्थ अमीनो एसिड सो वन टू थ्री एंड फोर फोर्थ अमीनो एसिड तुमको दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए ठीक है एवरी फोर्थ अमीनो एसिड मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि बिटवीन वन हाइड्रोजन बॉन्ड देर आर थ्री अमीनो एसिड ठीक है ना एक हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में देर इज या फिर दो सॉरी दो हाइड्रोजन बॉन्ड बोलना पड़ेगा ना बिटवीन ईच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हाँ ठीक है ईच हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में देर इज देर आर थ्री अमीनो एसिड ओके कुछ uh, चीजें ध्यान में रख लो ईच अमीनो एसिड इज हंड्रेड डिग्री अपार्ट ओके अगर मैं एंगल कैलकुलेट करता हूँ जैसे यहाँ से लेके कर यहाँ तक जो एंगल आ रहा है ठीक है ना और ई में बी में भी, भी यहाँ तक सो दैट इज़ बेसिकली योर थ्री सिक्सटी का एंगल हो रहा है टोटल ठीक है ना उसको मैं डिवाइड करूंगा बाय द नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो भी फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर सो वट यू गेट अबाउट हंड्रेड डिग्री अपार्ट ईच अमीनो एसिड इज अबाउट हंड्रेड डिग्री अपार्ट ओके ईच टर्न कंटेंस थ्री पॉइंट सिक्स अमीनो एसिड ठीक है ना एक टर्न में ओके okay? so basically this so 3 plus some fraction 3.6 amino acid okay next is beta sheets beta sheets is called beta plated sheets we both. okay so here you can see one line okay then another line and then third line and they are connected by hydrogen bonds again, again hydrogen bonds are connected again in the similar manner basically not there uh, ओके दीज आर ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स जैसे आपने बोला था बट दे आर बेसिकली लाइक लाइंड अप ठीक है ना इस तरह से लाइंड अप होते हैं बेसिकली दे मे बी पैरल और एंटी पैरल जैसे इट इज़ गोइंग इन दैट डायरेक्शन ओके एंड इट मे एक्चुअली कम बैक एंड मेक अ यू टर्न और इस डायरेक्शन में जाएगा एंड देन अगेन यू कैन एक्चुअली हैव दैट ठीक है ना तो इस तरह से तुमको या तो पैरल Yeah, इसको अपन क्या बोलेंगे दिस आर बेसिकली एंटी पैरल क्यों क्योंकि इट इज़ एक्चुअली गोइंग इन वन डायरेक्शन ओके एंड दिस इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन एंड दिस इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन एंड दे आर ऑल कनेक्टेड बेसिकली इट्स बेसिकली गोइंग टू बी सिंगल चेन ओके तो इस तरह से ये होता है एंटी पैरल दिस इज द मोस्ट कॉमन वन बट देर इज ऑल्सो पैरल स्ट्रक्चर्स पैरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा तुमको ओके सो यू हैव अ लाइन ओके इट गोज़ इन दैट डायरेक्शन

विच इज अमूसिड्स दे आर हेल्प टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड नेक्स्ट इज टर्शरी स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर जब अपन करते हैं बेसिकली ओके सो इट इज एक्चुअली थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर प्रोटीन मॉलिक्यूल दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर अब तुम देखो यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज आवर प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड वी गो एंड वी मेक दिस लूप्स एंड वी गो इन देट मैनर ओके इस तरह से अपन आ रहे हैं यू कैन गो प्रोबली लाइक दिस

ओके देर इज समर्ट ऑफ ग्रुप इसको अपन प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं ओके ये ग्रुप प्रेजेंट रहना जरूरी होता है फॉर द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन इट सेल्फ ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट इज़ अ प्रोस्थेटिक ग्रुप ठीक है ये ग्रुप रहना ज़रूरी है अदरवाइज हीमोग्लोबिन इज यूजलेस ओके इसमें जो बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं कौन से इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर में ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका एक पर्टिकुलर शेप है ये रैंडम नहीं है ओके okay. जो प्रोटीन है उसका जो पर्टिकुलर फंक्शन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप जो टर्शरी स्ट्रक्चर का जो शेप है उसके वजह से उसका फंक्शन है ठीक है उसमें ये अल्फ़ा एलेक्सेस बेटा शीट्स ये ज़रूरी है और ये बनने के लिए तुम्हारा पर्टिकुलर अमिनो एसिड सिक्वेंस बनना ज़रूरी है ठीक है एक अमिनो एसिड चेंज कर दो तो तुम्हारा अल्फा एलेक्स बेटा एलेक्स नहीं बनेगा बेटा शीट्स नहीं बनेगा तो तुम्हारा ये वाला टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा एक अमीनो एसिड चेंज कर दो तो ठीक है तो इसका मतलब जो प्रोटीन बनेगा उसका हो सकता है कि कोई फंक्शन ही ना हो या फिर इनफिशियंट हो ठीक है उसके फंक्शन में उसका काम चेंज हो जाएगा फंक्शन चेंज हो जाएगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज रिलेटेड अमीनो एसिड सिक्वेंस से लेके सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर इट्स ऑल स्पेसिफिक ठीक है एवरीथिंग इज स्पेसिफिक

ओके okay, ये सारे फोर्सेस मालूम रहना ज़रूरी है हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से इसमें रहेंगे बिटवीन पोलर साइड चेन पोलर साइड चेन है उनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे जैसे ओ एज ग्रुप्स थे कई कई अपन ने देखे राइट दे कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद द नाइट्रोजन वाले जो ग्रुप्स थे उसमें सो दे कैन मेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है उसके वजह से बॉन्डिंग आएगा आयनिक इंट्रैक्शन रहेगा जहाँ पे चार्जेस आ रहे साइड चेन में right, और राइट पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस अपोजिट फेजेस पे आ गए सो दे कैन एक्चुअली बाइंड एंड दे कैन मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जिसके वजह से अगेन लॉकिंग पोजिशन हो रहा है इनका उसके बाद वेंडरवाल्स डिस्पर्शन फोर्सेस रहेंगे बिटवीन हाइड्रोफोबिक साइड चेन हाइड्रोफोबिक साइड चेन है रिमेंबर वी सॉ दैट ओके नॉन पोलर साइड चेन तो उनके बीच में वेंडरवाल्स इंट्रैक्शन रहेंगे एंड देर इज ऑल्सो सल्फर ब्रिजेस ओके देखो हमारे पास सिस्टिन अमिनो एसिड है सिस्टिन में वी हैव एस एच ग्रुप तो अगर मान लो दो सिस्टिन ग्रुप आ जाते हैं ओके okay? साथ में तो ये क्या करेंगे दे विल बेसिकली मेक अ हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड सल्फाइड ब्रिज ओके इसको अपन बोलते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज एंड दीज आर वेरी स्ट्रांग डायसल्फाइड ब्रिजेस आर वेरी स्ट्रांग ठीक है these are very are very ना तो दीज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इन कीपिंग द एंटायर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ये भी देखा गया है कि इफ देर इज वन लेस सल्फाइड ब्रिज दैन वॉट इज रिक्वायर्ड तो पूरे प्रोटीन का शेप बिगड़ जाता है एंड इट बिकम्स अ नॉन फंक्शनल प्रोटीन सल्फाइड ब्रिजेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुआ है बिकॉज दे डिटरमाइन द शेप ऑफ द फंक्शन एंड शेप डिटरमाइंस द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स क्लियर है क्या यहाँ पे देखो समरी दिखा रहा हो टर्सरी स्ट्रक्चर का सारे फोर्सेज यहाँ पे तुमको देखने को मिलेंगे दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ठीक है बिट्वीन पोलर ग्रुप्स

so whenever there is a cysteine amino acid, it is going to make that sulfur bridge. the reason for that. so बराबर जहाँ पे bridges बनाना है, वहीं पे ये cysteine amino acid डाला जाता है और बराबर वहीं पे ये। so basically कितने disulfide इसके ऊपर research इस तरह का चलता है कि कितने disulfide bridges हैं। उसके लिए तुमको ये देखना पड़ता है कि कितने cysteine amino acid है। divided by two तुमको बिलेंगे number of disulfide bridges डायसल्फाइड ब्रिजेस मिल गए तो तुमको मालूम गिरता है कि कहाँ कहाँ प्रोटीन फोल्ड हो रहा है जहाँ पे भी डायसल्फाइड ब्रिज है वहाँ पे प्रोटीन फोल्ड होना ही होना है बराबर है सो so, ये एक पता चल जरूरी नहीं कि होगा ही बेसिकली आई थिंक मे बी नॉट इन सम केसेस क्योंकि हो सकता है कि यू और फोल्ड होके इट इज़ फोल्डिंग अप ऑन दिस सल्फाइड ब्रिज तो वहाँ पर फिर सल्फाइड ब्रिज बन रहा है ऐसा भी हो सकता है बट इन जनरल ये माना जाता है कि वहाँ पर प्रोटीन फोल्ड हो रहा है और ये अगर पता चल गया अपने को तो फिर अपन शेप डिटरमाइन कर सकते हैं उसको फिर अलग तरीके से वेरीफाई करते हैं तो ये जो अपन डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे ये ऐसी थोड़ी बनाया ना है ना किसी ने विजुलाइज थोड़ी किया है एग्जैक्ट थ्री डी टोपोलॉजी है प्रोटीन का ये टोपोलॉजी है प्रोटीन का प्रोटीन ऐसे दिखेगा एंड देर इज़ ऑल्सो कलर कोडिंग सिस्टम एक्चुअली ओके ब्लू से शुरू होती है एंड इट गोज़ अप टू रेड समथिंग लाइक दैट सो देर इज वेरिएशन इन द कलर्स टू गिव यू अ थ्री डी परस्पेक्टिव बेसिकली एंड देर इज अ नोटेशन फॉर दैट ऑल्सो ठीक है सो सल्फाइड ब्रिजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन नोइंग द शेप ऑफ द प्रोटीन और लास्ट चीज़ अपन देख रहे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ठीक है ना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हर प्रोटीन में नहीं होता है नॉट ऑल प्रोटीन्स हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सम प्रोटीन्स डू जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता क्या है दिस इज बेसिकली एन असेंबली ऑफ़ मल्टीपल प्रोटीन ये जो कॉटनरी स्ट्रक्चर होता है दैट इज बेसिकली असेंबली ऑफ़ मल्टीपल प्रोटीन्स ठीक है ना टर्सरी स्ट्रक्चर अगर अपन रिपीट करते हैं सो वी गेट अ कॉटनरी स्ट्रक्चर ओके फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव कॉटनरी स्ट्रक्चर्स एज डायमर ट्राइमर टेट्रामर और मल्टीमर ऑफ वेरियस डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर्स ठीक है कॉटनरी स्ट्रक्चर्स आर नेसेसरी फॉर सम फंक्शनल प्रोटीन्स सच एज एनजाइम्स ठीक है यू थिंक अबाउट इट लाइक मतलब रादर देन मेकिंग वन बिग प्रोटीन ठीक है एंड दैट विल फंक्शन एज अ एनजाइन ये क्या करते हैं अलग अलग फ्रैगमेंट्स में आ, बनाते हैं ओके फ्रैगमेंट्स बनाते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन बना लिया या किसी तरह का प्रोटीन बना लिया और फिर इनको ज्वाइन कर लिया बेसिकली असेंबल कर दिया ठीक है सो यू कैन गेट अ प्रिटी बिग प्रोटीन जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमोग्लोबीन हीमोग्लोबीन इज एक्चुअली अ टेट्रामर ठीक है ना तो तुमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि देर इज मी डा शेडेड रीजन ठीक है ना सो so, ये एक प्रोटीन है ठीक है ये एक प्रोटीन है देन दिस ब्लू वाला एक प्रोटीन है एंड देन दिस ब्लू वाला प्रोटीन है दिज आर टेट्रामर्स ओके सो द एंटायर स्ट्रक्चर इज बेसिकली ये टेट्रामर क्लियर है क्या वन टू थ्री एंड फोर चार पोर्शनस है हीमोग्लोबिन में ओके okay? और ये जो पोर्शन दिख रहा थे हमको ग्रीन वाला पोर्शन दैट इज एक्चुअली हीम ग्रुप कौन सा ग्रुप है हीम ग्रुप हीम ग्रुप में पॉर्फिरिन रिंग्स होते हैं, ये ध्यान में रखो ठीक है क्या होते हैं पॉर्फिरिन रिंग्स या रिंग स्ट्रक्चर होता है पॉर्फिरिन ग्रुप्स होते हैं ऐसा लिखेंगे पॉर्फेरिन ग्रुप्स होते हैं ओके इट्स ऑटोमेटिक साइक्लिक स्ट्रक्चर बेसिकली सेम uh, स्ट्रक्चर तुमको इधर भी मिलता है क्लोरोफिल में ठीक है और एट राइट एट द मिडल ऑफ इट देर इज़ अ आयरन ओके इसके बीचों बीच तुमको आयरन दिखेगा ओके okay? ये जो पोर्शन है उसके बीचों बीच तुमको आयरन दिखेगा तो इधर नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे तुमको दिख रहा है सेंटर में देर इज़ अ आयरन पॉर्फेरिन ग्रुप्स के यहाँ पर हीम ग्रुप के बीचों बीच देर इज अ आयरन और यहाँ पे ऑक्सीजन कैरी किया जाता है ठीक है सो ईच मॉलिक्यूल कैन कैरी फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मैक्सीम ठीक है ना मैक्सिमम जरूरी नहीं कि सारे सेचूरेटेड ही होते हैं जनरली होते भी हैं इनफैक्ट बट हो सकता है एखाद जगह पर नहीं कि ऑक्सीजन लग लगा ही नहीं ओके दैट इज ऑल्सो फाइन बट जनरली दे कैरी फोर ऑक्सीजन आइटम्स अराउंड सो दैट्स हाउ दे कैरी द ऑक्सीजन सो दिस इज हिमोग्लोबीन मॉलिक्यूल समझना ना ग्लोबिन है क्योंकि ये राउंडेड है ओके okay? सर्कुलर है ना इसलिए ग्लोबिन बोलते इसको ओके ग्लोबुलर प्रोटीन बेसिकली ओके okay. और इसमें हीम ग्रुप लगे हुए थे विच आर द प्रोस्थेटिक ग्रुप और उसमें आयरन लगे हुए हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन कैरी होता है अंडरस्टूड है क्या अकॉर्डनरी स्ट्रक्चर ओके समरी देख लो प्रोटीन स्ट्रक्चर का ये okay. have, uh, sorry, पूरा प्राइमरी स्ट्रक्चर है ओके देन यू हैव सॉरी पूरा प्राइमरी बोला क्या मैंने ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है यहाँ तक देन यू हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिज वन सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिस इज अ टर्चरी स्ट्रक्चर ओके okay, और टर्सरी स्ट्रक्चर को अगर मैं कंबाइन uh, कर दूँ विद डिफरेंट टर्सरी स्ट्रक्चर्स या मल्टीपल टाइम्स उसको कंबाइन कर दो वट वी गेट इज़ अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ठीक है तो ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है ये ज़रूरी नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर ये हर प्रोटीन के लिए अप्लीकेबल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इट इज़ नॉट अप्लीकेबल टू ऑल द प्रोटीन्स राइट If there is no doubt you guys can leave I'll see you in the next class okay thank you very much bye bye